जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल RR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके बीच लाया था जो है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो है हमारे तैयारी की क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो हमने जो है पिछले क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, आज हम लोग उसके आगे से क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसका फॉर्म जो है हमारा आने वाला है मई या जून के फर्स्ट वीक में। आपको सभी को मई एंड जून के जो है फर्स्ट वीक में आप सभी को जो है देखने को मिल जाएगा। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जा करके जो हमारे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर एक अपडेट जो है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर अपडेट आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है मिलती रहेगी। आइए अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो है क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था, उसके आगे से आज हम लोग क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो है 25 क्वेश्चन तक देखा था, आज उसके आगे से जो है हम लोग क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस अ डायरेक्ट मेजरिंग टूल, इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं प्रत्यक्ष रूप से माप ले सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं। जैसे जो ट्राई स्क्वायर, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टील रूल, नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट गेज, नेक्स्ट ऑप्शन है रिंग गेज। इसमें क्या है कि हमारा स्टील रूल, स्टील रूल क्या है प्रत्यक्ष मेजरिंग टूल, डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल पूछा गया, तो इसमें हमारा जो है स्टील रूल जो है डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज, माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणना होती होता है, माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणना होता है। ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.05 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.5 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 मिलीमीटर जो है होता है, क्या होता है 0.01 मिलीमीटर जो है होता है, मिलीमीटर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं 10 माइक्रोन कहते हैं, क्या कहते हैं 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, माइक्रोन जो है कहते हैं। माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो माइक्रोमीटर जो हमारा किस सिद्धांत पर वर्क करता है, माइक्रोमीटर हमारा जो है नट और बोल्ट, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल फिलिंग क्लोजिंग क्लोगिंग ऑफ टीथ ऑफ फाइल बाई चिप्स टेक्स प्लेस दिस कॉल्ड, रंधा करते समय समय रंधे के दांत में से चिप्स भर जाता इसे कहते हैं। जब हम को फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग करते समय जो होते हैं क्या उसके दांतों में क्या होते हैं एक चिप्स जो है हमारे भर जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल फिलिंग क्लोजिंग ऑफ टीथ, क्लोजिंग ऑफ टीथ ऑफ फाइल बाई चिप्स टेक प्लेस दिस इज कॉल्ड, रंधा करते समय रंधे के दांत में चिप्स भर जाते हैं इसे कहते हैं, जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं फाइल कहते हैं। ऑप्शन है लोडिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रेसिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है पिनिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है जंपिंग, इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग जो इसे पिनिंग कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। पिनिंग क्या होती है कि जब हम फाइल से ऑपरेशन कर रहे होते हैं, फाइलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे चिप्स के छोटे छोटे टुकड़े जो इसके दांतों पर जो है भर जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं पिनिंग जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डबल कट फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग ऑन, डबल कट फाइल का प्रयोग पर फाइल करने के लिए होता है, डबल कट फाइल का प्रयोग जो है किस पर फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लकड़ी, नेक्स्ट ऑप्शन है लेदर चमड़ा, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टील इस्पात, नेक्स्ट ऑप्शन है हार्ड बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील, स्टील पर फाइलिंग करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, डबल कट फाइल का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ अ गुड कूलेंट्स, अच्छा प्रशीतक का कौन सा गुण नहीं है, अच्छा
प्रतिशत जो है कूलेंट शीतलक का जो है कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन है इट हैव हाई हीट एब्जॉर्बेशंस प्रॉपर्टी, इससे इसमें अच्छा उच्च ऊष्मा अवशोषण गुण होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज गुड लुब्रिकेंस क्वालिटी, इसमें अच्छा स्नेहक का गुण होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज केमिकल एक्टिविटी, इसमें रासायनिक रूप से संक्रिया होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इट हैस हाई फ्लैश पॉइंट, इसमें उच्च फ्लैश पॉइंट होता है। क्वेश्चन था हमारा विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ अ गुड कूलेंट, अच्छा प्रशीतक का कौन सा गुण नहीं है। प्रशीतक का जो है कौन सा गुण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज केमिकली एक्टिविटी, यह रासायनिक रूप से क्रिया है। यह जो हमारी क्या है कि शीतलन जो है यह हमारी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या होता है कि जॉब और टूल के बीच जो है घर्षण को कम करने के लिए जो है किया जाता है। यह जो हमारी क्या है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज यूज्ड ऑन लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ कट, लेथ पर गहराई से काटने के लिए प्रयुक्त होता है। डेप्थ ऑफ कट जो है देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लेथ मशीन पर। व्हाट इज यूज्ड ऑन अ लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट देने के लिए। ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड, नेक्स्ट ऑप्शन है टू टॉप स्लाइड, नेक्स्ट ऑप्शन है बाय एडजस्टिंग द टूल को एडजस्ट करके, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड से जो है क्या दिया जाता है डेप्थ ऑफ कट लेथ मशीन पर जो है दी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है द स्फेरिकल गियर ऑफ 127 टीथ और 63 टीथ में बी यूज टू कट मटेरियल थ्रेड्स इन अ लेथ हैविंग ब्रिटिश लीड स्क्रू, इट इज नो। ब्रिटिश लीड स्क्रू में लेथ में मीट्रिक थ्रेड बनाने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों वाले विशेष गियर का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन है आइडल गियर, नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज गियर, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेटिंग गियर, नेक्स्ट ऑप्शन है कंपाउंड गियर, इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेटिंग गियर जो है कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ में मीट्रिक थ्रेड बनाने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों वाले विशेष गियर का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं। इसे जो है ट्रांसलेटिंग गियर जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन द फ्रंट फेस ऑफ लेथ चक जा आर स्टेपेड द प्रोसेस ऑफ दिस स्टेप्स इज टू, लेथ चक जा का फ्रंट फेस को स्टेप्ड करते हैं, इन स्टेप का उद्देश्य होता है। इन स्टेप का जो है क्या उद्देश्य होता है, ऑप्शन है एड अपेरियंस रूप रंग बढ़ाना, नेक्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस वेट भार कम करना, नेक्स्ट ऑप्शन हैव इंक्रीज्ड ग्रिपिंग पावर जकड़ने की शक्ति को बढ़ाना, नेक्स्ट ऑप्शन होल्ड लार्जर डायमीटर वर्कपीस बड़े व्यास वाले वर्कपीस को पकड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़े होल्ड लार्जर डायमीटर वर्कपीस, बड़े व्यास वाले वर्कपीस को जो है पकड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा द फ्रंट फेस ऑफ लेथ चक जा आर स्टेप्ड द प्रोसेस ऑफ दिस स्टेप इज टू, लेथ यहाँ पर जो होना चाहिए हमारा क्या होना है लेथ होना चाहिए, लेथ चक जा का फ्रंट फेस को स्टेप्ड करते हैं, इन स्टेप को कहते हैं। बड़े व्यास वाले वर्क पीस को जो है पकड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है इन द स्केच ऑफ अ लेथ गिवन बिलो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर
इज रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय नीचे दिए गए लेंथ के आरेख में सेंटर में के बीच की दूरी द्वारा वस्तु दिखाया गया है। यह देख सकते हैं यह ड्राइंग में दिखाया गया है, इस सेंटर ये सेंटर ये सेंटर से क्या दिया गया, वस्तु की दूरी जो है दिखाया गया, किस सेंटर से जो है सेंटरों के बीच की दूरी दिखाया गया है। यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, द स्विंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ लेथ इज द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम बी बेड। लेथ के बड़े बेड के ऊपर स्विंग व्यास बेड से मापित सेंटर की ऊंचाई के होता है क्वेश्चन हमारा, लेथ के बेड के ऊपर स्विंग व्यास बेड से मापित सेंटर के ऊंचाई के होता है, सेंटर के ऊंचाई के जो है होता है, ऑप्शन है के बराबर, नेक्स्ट ऑप्शन है दुगना ट्वीस, नेक्स्ट ऑप्शन वन हाल्फ आधा, नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रीस तीन गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्वीस, दो गुना जो है होता है। क्वेश्चन था हमारा, द स्विंग डायमीटर ओवरहेड ऑफ अ लेथ इज द हाइट ऑफ द सेंटर्स मेजर्ड फ्रॉम द बेड। लेथ के बेड के ऊपर स्विंग व्यास बेड से मापित सेंटर की ऊंचाई के होता है, किसके होता है, दोगुना जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल वियर आउट फर्स्ट एट, सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल पर तेजी से घिसता है, सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल तेजी से घिसता है। स्पिंडल की स्पीड धीमी होने पर या तेज होने पर कब जो है घिसता, ऑप्शन है फास्ट स्पीड तेजी गति, नेक्स्ट ऑप्शन है स्लो स्पीड धीमी गति, नेक्स्ट ऑप्शन है मीडियम स्पीड मध्यम गति, नेक्स्ट ऑप्शन है वेरी फास्ट स्पीड बहुत तेज गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लो स्पीड। स्लो स्पीड में सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल्स जो स्लो स्पीड धीमी गति पर तेजी से घिसता है, कौन से तेजी से घिसता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन था हमारा, सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल्स धीमी गति से तेजी से घिसता है, धीमी गति, जब हमारी स्पीड स्लो रहेगी तो हमारे जो सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल होते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं, वह क्या होते हैं कि धीमी गति में जो है तेजी से जो है घिसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द लेथ एक्यूरेसी यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग सिलेंडर पीस, उस लेथ एक्सेसरीज की पहचान कीजिए करें जिसे लंबे पतले पीस के लिए अतिरिक्त सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबे जॉबों को जो है लेथ मशीन पर लंबे जॉबों को जो है सपोर्ट देने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है स्टडी रेस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन टूल पोस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन मैंड्रिल, नेक्स्ट ऑप्शन लेथ डॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी रेस्ट का प्रयोग जो है किया जाता है। लंबे जॉबों को जो है लेथ मशीन पर सहारा देने के लिए स्टडी रेस्ट का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ऑपरेशंस कैन नॉट बी डन ऑन लेथ, इन क्वेश्चन है इन क्रियाओं में कौन सी क्रिया लेथ पर नहीं किया जा सकता है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन है पंचिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेप टर्निंग, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिलिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है फेसिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचिंग। पंचिंग ऑपरेशन जो है लेथ मशीन पर नहीं की जा सकती है, बाकी ये तीन ऑपरेशन स्टेप टर्निंग ड्रिलिंग और फेसिंग ये सभी ऑपरेशन जो है लेथ मशीन पर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, अ लेथ टूल हैज फ्रंट क्लियरेंस एंगल ऑफ 8 डिग्री एंड अ बैक क्रैक एंगल ऑफ 15 डिग्री, इट इज
विच विच एंगल विल बीम। लेथ टूल का फ्रंट क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री और बैक रेक एंगल 15 डिग्री, तो इसका बेस एंगल होगा 8 डिग्री फ्रंट क्लियरेंस और बैक एंगल एंगल जो है हमारा 15 डिग्री है, तो वेज एंगल जो है पूछ रहा है वेज एंगल जो है हमारा कितना होगा। ऑप्शन है 67 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 75 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 82 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 33 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67 डिग्री जो है होगा, 67 डिग्री जो है वेज डिग्री जो है होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, अ सॉफ्ट सॉफ्ट रोटेटिंग इन अ बूस्ट बियरिंग इज गुड एग्जाम्पल ऑफ। बूस्ट बियरिंग में घूमने वाला शाफ्ट का अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन हमारा, बूस्ट बियरिंग में घूमने वाला शाफ्ट का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है स्लाइडिंग फिट, नेक्स्ट ऑप्शन है रनिंग फिट, नेक्स्ट ऑप्शन है बूस्ट फिट, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रनिंग फिट। बी इज राइट आंसर रनिंग फिट। बूस्ट बियरिंग में घूमने वाला शाफ्ट रनिंग फिट का अच्छा उदाहरण है। किसका? रनिंग फिट का जो है अच्छा उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100 कैपिटल एच 6/G5 मीन्स दैट द। भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अनुसार 100 एच 6/g5 का अर्थ है। ऑप्शन है वास्तविक साइज 100 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन मूल साइज 100 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन वास्तविक साइज और मूल साइज के बीच का अंतर 100 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक साइज इज 100 मिलीमीटर, मूल साइज जो है 100 मिलीमीटर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सेवरल मशीन टूल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा अनेक मशीन टूलों को में नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। एनसी न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल्स जिसे हम लोग बनते हैं एनसी मशीन टूल, नेक्स्ट ऑप्शन सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल, नेक्स्ट ऑप्शन डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल, नेक्स्ट ऑप्शन सीसीएनसी सेंट्रल कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल सीसीएनसी मशीन टूल। क्वेश्चन था हमारा, सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा अनेक मशीनों को नियंत्रित मशीन टूल को में नियंत्रित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, विथ सीएनसी प्रोग्रामिंग इज इट इज गुड प्रैक्टिस और टू प्रोग्राम अ रैपिडली मोशन एक्सिस एट द टाइम। सीएनसी मशीन सीएनसी प्रोग्रामिंग के साथ एक बार में अक्ष में रैपिड मोशन प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा प्रैक्टिस है। जो सीएनसी मशीन होती है, सीएनसी मशीन में हमारे जो एक्सिस होती है, एक्सिस को क्या किया जाता है कि रैपिड में जो है कंट्रोल किया जाता है, उसमें कितने होते हैं? ऑप्शन है 4, नेक्स्ट ऑप्शन है 3, नेक्स्ट ऑप्शन है 2, नेक्स्ट ऑप्शन है 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक रैपिड में जो है जो रैपिड मोशन प्रोग्राम के लिए अच्छा प्रैक्टिस है, A1 जो है क्या होता है कि अच्छा प्रैक्टिस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दिस लेथ्स रिक्वायर्स वेरी हाई स्किल्स फॉर ऑपरेशन। इन लेथ में से किस लेथ के लिए बहुत बहुत उच्च कौशल वाले प्रचालक की आवश्यकता
होती है। कुशल कारीगर की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन है सेंटर लेथ, नेक्स्ट ऑप्शन कैपेस्टन लेथ, नेक्स्ट ऑप्शन है टेरेट लेथ, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल दीज रिक्वायर्ड इक्वली हाई स्किल। इन सभी के समान रूप से उच्च कौशल की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटर लेथ। सेंटर लेथ को जो है चलाने के लिए क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ दीज लेथ रिक्वायर्स वेरी हाई स्किल्स फॉर ऑपरेशन ऑपरेटर। इन लेथ में से किस लेथ के लिए बहुत अच्छा उच्च कौशल वाले प्रचालक की आवश्यकता होती है। सेंटर लेथ यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, लेथ होगा। सेंटर लेथ के लिए जो है अच्छा कुशल कारीगर के लिए जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लेथ हैव द लोवेस्ट डिग्री ऑफ ऑटो मोशन। इनमें से किस लेथ में ऑटो मोशन की डिग्री न्यूनतम होती है। ऑटो मोशन की डिग्री जो है न्यूनतम होती है। ऑप्शन है सेंटर लेथ, नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेस्टन लेथ, नेक्स्ट ऑप्शन है टेरेट लेथ, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल दिस हैव सम लेवल ऑफ ऑटो मोशन। इनमें से सभी का लेवल समान होता है। क्वेश्चन था हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ दिस लेथ्स हैव द लोवेस्ट डिग्री ऑफ ऑटो मोशन। इनमें से किस लेथ में ऑटो मोशन मेशन की डिग्री न्यूनतम होती है। सेंटर लेथ में जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेट हेड ऑन टेरेट लेथ इज जनरली माउंट ऑन टोरेट। टोरेट लेथ पर टोरेट हेड का को प्राय पर चढ़ाया जाता है। ऑप्शन है स्लाइड, नेक्स्ट ऑप्शन है सैडल, नेक्स्ट ऑप्शन है रैम, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैडल। बी इज राइट आंसर, सैडल पर जो है चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन हमारा टेरेट हेड ऑन टेरेट लेथ इज जनरली माउंट। टेरेट लेथ पर टेरेट टूरेट, इसमें देखिए टूरेट दिया गया है, टेरेट होना चाहिए। टूरेट लेथ पर टूरेट हेड को प्रायः पर चढ़ाया जाता है, सैडल पर जो है चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइलेंट मेथड इज अ वे ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। साइनाइड मेथड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक तरीका है। क्वेश्चन है साइनाइड मेथड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक तरीका। ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है टेम्परिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है केस हार्डनिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है एनलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का जो है बेस्ट प्रोसेस है। साइनाइडिंग मेथड, जो साइनाइड मेथिंग होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक तरीका, किसका तरीका है, केस हार्डनिंग का जो है तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एश्योर्स दैट, निर्माण के समय निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि प्रोसेस। ऑप्शन है प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, प्रोसेस नियंत्रण अधीन है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट्स मीट स्पेसिफिकेशंस, उत्पादन स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, गुणवत्ता समस्याएं दूर की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्कर्स आर मोटिवेटेड, कामगारों को प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन हमारा निर्माण के लिए निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट्स मीट स्पेसिफिकेशन, उत्पादन स्पेसिफिकेशन को जो है पूरा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बाल बियरिंग प्रिवेंट्स द बाल्स फॉर्म पंपिंग इनटू ईच अदर्स। बाल बियरिंग का कौन सा पार्ट
बाल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है। बाल बियरिंग, क्वेश्चन हमारा, बाल बियरिंग का कौन सा पार्ट बाल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है? ऑप्शन है इनर रेंस रेस, नेक्स्ट ऑप्शन है आउटर रेस, नेक्स्ट ऑप्शन बोथ इनर रेस एंड आउटर रेस, नेक्स्ट ऑप्शन है केस। केस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केज। केज जो है क्या करता है, बाल बियरिंग का कौन सा पार्ट बाल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है? केज जो है एक दूसरे को टकराने से रोकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर। लोड अप्लायंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑफ द बियरिंग्स आर कॉल्ड, बियरिंग के अक्ष के समानांतर प्रयुक्त भार को कहते हैं। क्वेश्चन हमारा, बियरिंग के अक्ष के समानांतर प्रयुक्त भार को कहते हैं। ऑप्शन है ए थ्रस्ट लोड, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सल एक्सी एल लोड, नेक्स्ट ऑप्शन है कंसेंट्रिक लोड, नेक्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल लोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए थ्रस्ट लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट लोड जो है कहते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।